इस वक्त जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे, ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली, यानी कि सशर्त जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम राहत मिली है केजरीवाल को। केजरीवाल को ये जमानत मिली है। आपको जानकारी दें कि 5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। केजरीवाल हालांकि दफ्तर नहीं जा सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, तो सशर्त जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल जो कि जेल में रहे और 5 महीने बाद अब वो बाहर आएंगे, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये बड़ी राहत केजरीवाल को, जेल से बाहर आने का रास्ता उनका साफ हुआ है। सीबीआई मामले में जमानत उन्हें मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है जमानत और 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस में पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। कई महीने वो जेल में रहे दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर, तो केजरीवाल लेकिन दफ्तर नहीं जा सकेंगे, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। फाइल भी साइन नहीं कर पाएंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर भी उनका नहीं होगा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। यानी कि कुछ शर्त लगाई गई है जमानत के साथ, सशर्त जमानत मिली है, 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। साल पहले ही आम आदमी पार्टी को किसी भावी कार्यकर्ता, एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है। उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग हमारे मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे, अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहां जा रहे हैं। थैंक यू। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिश जी यहां पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को, ये तस्वीर। तो यहां पर ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। इधर अब राघव चड्ढा भी आपको बताते चलते हैं। राघव चड्ढा लिखते हैं इस बारे में कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। तो यहां पर जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार इसमें आ रही हैं। आतिशी क्या लिखती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो अरविंद केजरीवाल का जो लंबा इंतजार था इस मामले में जमानत को लेकर, वो अब यहाँ पर ख़त्म हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से जो सीबीआई का मामला था उसमें यहाँ पर इनको जमानत जो है वो मिल गई है। दरअसल दो मामले यहाँ पर जो है कोर्ट सुन रहा था, एक सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताकर चैलेंज किया गया था और एक दूसरा जमानत को लेकर यहाँ पर था। तो जमानत यहाँ पर जो है वो अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है इस मामले में। हालांकि कुछ शर्तें जो है वो लगाई गई हैं, जो ईडी के मामले की शर्तें थी जिसमें जमानत इनको मिली थी, वो शर्तें यहाँ पर भी जो है वो जारी रहेंगी। और लेकिन केजरीवाल जो है बाहर आ सकेंगे जेल से, उनके लिए राहत यहाँ पर जो है इस सिलसिले में ये हो गई है।
और जो नेता है उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आप